हे फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। सो इस वीडियो में एफएसटी का आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ ही क्वेश्चन के बताए थे, मैं शुरू से बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़े से गलत हो गए थे तो इस बार एक्यूरेट आंसर बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, भारत में कागज का निर्माण शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर अरब हो जाएगा, अरब के द्वारा की गई थी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं अपने। सेकेंड क्वेश्चन है, अल बरूनी के अनुसार भारत का महानतम योगदान डैश के प्रयोग में था? ठीक है, तो किसके प्रयोग में था? दशमलव प्रणाली के प्रयोग में था। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखो, इंग्लिश वाले हिंदी वाले सब इसी से मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, भारत में राजस्थान में जावर नामक स्थल पर पुरातत्व की खुदाई से पता चलता है कि भारतीय लोगों को डैश के शोधन का तरीका मालूम था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सही था हमारा, जो पहला भी था जस्ता था, थर्ड का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में मुद्रण प्रौद्योगिकी की शुरुआत डैश द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर पुर्तगाल होगा, फोर्थ का, पुर्तगाल के द्वारा की गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, भारत में जहाज उद्योग में निम्नलिखित में से किसके कारण इस उद्योग में भारी परिवर्तन? ठीक है, तो किसकी वजह से आए थे? ये यूरोपीय कंपनी की वजह से आए थे, यूरोपीय तकनीक की वजह से आए थे। छठा क्वेश्चन, यूरोप में कौन सी अवधि मध्ययुग मानी जाती है? तो कौन सी अवधि मध्ययुग मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10th का सी ऑप्शन, 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की और पवन चक्की द्वारा डैश प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4th, यांत्रिक ऊर्जा। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कृषि उद्योग माना जाता है, भारत का प्राचीन समय से कृषि उद्योग सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, तो किसने लगाया था? ये विलियम हार्वे ने लगाया था रक्त परिसंचरण का पता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। किसका? एक सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 9th क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम में हुए सभी आविष्कारों में से एक आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा? ठीक है, तो किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था? 10th का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बारूद हो जाएगा। ठीक है, और 11th पे आते हैं, यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब स्टार्ट हुई? तो इसका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, 1760 से 1830। 12वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जैविक विकास को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा? तो किस वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, जेसी बोस ने किया था क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान के अनुसरण के लिए अनिवार्य विशेषता है? जिससे इसका आंसर ऑब्वियसली बात है प्रेषण और प्रयोग होना चाहिए, इसलिए विज्ञान के लिए अनिवार्य हो जाता है। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर देखो कश्मीर होगा, बट मेरे को तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि कश्मीर भी सिंधु घाटी का एक दो कश्मीर के पार्ट भी हिस्सा माने गए थे बाद में। ठीक है, तो देख लेना, पृथ्वी केंद्र में होती है, ये किसने दिया था इसका? वो तो टॉलमी ने दिया था, इसका प्रतिपादन टॉलमी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र द्वारा लिखित पुस्तक, ये तो ईजी से क्वेश्चन था, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, विज्ञान के स्वर्ण युग में वर्तमान में क्रमचय और संचय नाम से मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो था वो जैनिस द्वारा दी गई थी, जैनिज्म द्वारा दी गई थी। ठीक है, सीएनएस से क्या होता है? सेंट्रल नर्व सिस्टम। सो ये मस्तिष्क और मेरिडियन का हिस्सा माने जाते हैं। तंत्रिका तंत्र में मांसपेशी और ग्रंथियों को संकेत डैश द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक कोशिका तंत्र। ठीक है, प्रेरक कोशिका तंत्र इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। 21 देखते हैं अपना, 21 में क्या पूछा है? वह अधिगम सीखना जो जटिल है और जिसे सोचने की प्रक्रिया शामिल है डैश कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? 21st का हमारा राइट आंसर हो जाएगा संज्ञात्मक अधिगमन। ठीक है, संज्ञात्मक अधिगमन। अगला क्वेश्चन है 22nd, बच्चे की विकासात्मक अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवधि कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 to 7। क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन डैश द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है हमारा श्वसन। अगला क्वेश्चन है, गल ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, तो ये थायरोक्सिन होता है, तो गल ग्रंथि द्वारा, तो थायरोक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है हमारा, 25वां, IQ मापने का अर्थ है वर्तमान में देख मानसिक आयु। ठीक है, तो मानसिक आयु मापते हैं क्योंकि जैसे जैसे आयु होती है IQ कम ज़्यादा होती रहती है। कार्यस्थल पर व्यक्ति की दक्षता का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, कार्यस्थल पर आदमी की जो दक्षता होती है तो इसको श्रम दक्षता के नाम से जाने जाते हैं। ईजी था, हिंदी में देख के पता चल जाता। ठीक है, आते हैं अपने 27th क्वेश्चन नंबर पे, 26 हो गया ना, हाँ ठीक है 27th, पंचशील कितने देशों के नेताओं की पहल की आयोजित किया गया था? तो ये 5 देश के नेताओं द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर 5 देश हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक संचार नहीं है, तो कौन सा पारंपरिक संचार नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्में जो है वो पारंपरिक संचार नहीं है। अगला क्वेश्चन है NWICO से अभिप्राय क्या है, ठीक है, तो NWICO क्या है, ये हमारा न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड एम्युनिकेशन ऑर्डर है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका राइट आंसर फर्स्ट लगा लेना आप। 30 पे आते हैं, भारत में पाम तेल का आयात किया जाता है, ठीक है, तो पाम तेल का आयात कहाँ से किया जाता है, तो इसका कनाडा और मलेशिया से हो जाएगा, कनाडा और मलेशिया से किया जाता है। 31 का देखते हैं, किस देश ने सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए बाहरी विश्व अन्य देशों के साथ कम से कम संपर्क करने का निर्णय लिया, तो कौन सा देश था, ये श्रीलंका था, श्रीलंका ने यह फैसला उठाया था। अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सा अदृश्य विकिरण का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का कौन सा इनमें से स्रोत है, ठीक है, तो ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, तो इसका आ जाएगा गर्म झरने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी ऊर्जा किससे पैदा होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा किससे पैदा होती है, यूरेनियम से होती है। 34 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है, तो पता ही होगा आपको यूरेनियम विस्फोट जो होता है। अगला क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो इसका हो जाएगा नाइलॉन जो हो जाएगा वो प्राकृतिक रेशा नहीं है, 35 का ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। 36 देखते हैं, भारत में चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण राज्य है, तो चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है, ये हमारा सेकंड महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोग किस कारण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते समय हिचकिचाते हैं, ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ये सभी चीज़ों की वजह से हिचकिचाते हैं। अगला है 38, प्रौद्योगिकी में कांच के कतासे और विद्युतीय संकेत भेजे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसका, फाइबर ऑप्टिकल, वाईफाई, लेजर या सौर, ठीक है, तो 38 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फाइबर ऑप्टिकल्स, क्या हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिकल्स राइट हो जाएगा। 39 की तरफ आते हैं, लेजर प्रकाश डैश तरंग दैर्घ्य की तरंगे से बनता है, तो विभिन्न हो जाएगा समकालीन, अल्पकालीन या फिर कला संबंध, तो इसका 39 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा कला संबंध, ठीक है, क्या होगा, कला संबंध। अगला क्वेश्चन है 40, एंडोस्कोपी से डैश से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, कैमरे से जुड़े होते हैं ये। फिर जुलाई 1979 में डैश अंतरिक्ष चालक द्वारा चांद पर ले गया गया, तो ये क्या होगा, अपोलो, ठीक है, अपोलो को ले गया गया था, ठीक है, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, लिटिल बॉय और फैट मैन था इसका आंसर, ठीक है। फिर प्लाज्मिड डैश है, तो क्या है, एक रैखिक डीएनए अणु, कुंडली डीएनए अणु, ठीक है, तो 43 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वृत्तीय डीएनए अणु, वृत्तीय डीएनए अणु। 44 की तरफ आते हैं, जटिल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ और मैग्नेटिक डैश चुंबकीय युक्ति का कंप्यूटर का डैश बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हार्डवेयर। 45 की तरफ आते हैं, 45 का राइट आंसर हो जाएगा टोमाहॉक समुद्री प्रक्षेप पे डैश मिसाइल का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, ये देखने वाले रोबोट का उदाहरण है, किसका उदाहरण, देखने वाले रोबोट का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा पहला नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, रोबोट पर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये बताना था। 46 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 47 देखते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, तो एक रसायन जो संदेश ले जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, रसायन है जो संदेश ले जाता है। 48 का है, बड़े बांध की योजना बनाने में कौन सा कारक शामिल नहीं है, ठीक है, तो परिवहन का विकास इसका शामिल नहीं होगा, 48 का फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। 49 की तरफ चलते हैं, 49 का है, भारत में 1958 में किसके द्वारा वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव किया गया, तो इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 50 क्वेश्चन है, राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदेश का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो इसका आंसर 4th हो जाएगा 1974 में, ठीक है। बाकी अभी हम और वीडियोस अपलोड कर देंगे बाकी के पार्ट से, वो भी आप देख लेना। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर अदर इन्फॉर्मेशन।